अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है डिप्रेशन। ये हमारी जिंदगियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ियों को। हम में से अक्सर कुछ लोग उदासी, मायूसी और बेजारी में मुब्तला हो जाते हैं। कुछ लोगों में ये अलामत एक या दो हफ्ते में ठीक हो जाती हैं, मगर कुछ लोग इस गर्दाब से बिल्कुल बाहर नहीं निकल पाते। ये सब हमारे दिमाग की हसासियत पर मुनसिर होता है। जैसे कि कुछ नाखुशगवार वाकयात का हम में से कुछ लोगों की जिंदगियों पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मगर कुछ लोगों की जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है। कभी ये उदासी किसी वजह से शुरू होती है और कभी बगैर किसी वजह के ही शुरू हो जाती है। आमतौर से हम खुद ही इस उदासी का मुकाबला कर लेते हैं और बाज़ औकात दोस्तों से बात करने से ही ये उदासी ठीक हो जाती है और किसी इलाज की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन तिब्बी एतबार से उदासी उस वक्त डिप्रेशन की बीमारी कहलाने लगती है जब उदासी का एहसास बहुत दिनों तक रहे और ख़त्म ही ना हो। उदासी की शिद्दत इतनी ज़्यादा हो कि डेली रूटीन की ज़िंदगी उससे मुतासर होने लगे। अगर आपका रोज़मर्रा के कामों में दिल नहीं लगता, आप बहुत उदास, मायूस या बेजार रहते हैं, या घबराहट, बेचैनी और बेबसी का शिकार रहते हैं, तो शायद आप भी डिप्रेशन का शिकार हैं। डिप्रेशन में कैसा महसूस होता है? डिप्रेशन एक दिमागी बीमारी है। जिस तरह हमें जिस्मानी बुखार हो जाता है तो हम बुखार की दवा लेते हैं और ठीक हो जाते हैं, इसी तरह डिप्रेशन जहनी बीमारी होती है और इसका इलाज करवाना जरूरी होता है ताकि इस मर्ज को बढ़ने से रोका जा सके। हम सब अक्सर उदासी महसूस करते हैं, मगर डिप्रेशन की बीमारी की शिद्दत आम उदासी के मुकाबले में ज्यादा गहरी और तकलीफ देह होती है। इसका दौरानिया भी आम उदासी से काफी ज्यादा होता है और महीनों तक चलता रहता है। दर्ज ज़ेल अलामात डिप्रेशन की निशानदेही करती हैं। ज़रूरी नहीं कि हर मरीज में तमाम अलामात मौजूद हों, लेकिन अगर आप में उनमें से कम अज़ कम चार अलामात मौजूद हों तो इस बात का इम्कान है कि आप डिप्रेशन के मर्ज़ का शिकार हों। हर वक्त या ज़्यादातर वक्त उदास और अफसरदा रहना, जिन चीज़ों और कामों में पहले दिलचस्पी हो उनमें दिल ना लगना, किसी चीज़ में मज़ा ना आना, जिस्मानी या जहनी कमजोरी महसूस करना या बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करना, रोज़मर्रा के कामों या बातों पर तवज्जो ना दे पाना, अपने आप को औरों से कमतर समझने लगना, खुद एतमादी में कमी हो जाना, माजी की छोटी छोटी बातों के लिए अपने आप को इल्ज़ाम देते रहना, अपने आप को फजूल और नाकारा समझना, मुस्तकबिल से मायूस हो जाना, खुदकुशी के ख्याल आना या खुदकुशी की कोशिश करना, नींद खराब हो जाना और भूख ना लगना। डिप्रेशन क्यों हो जाता है? बाज लोगों में डिप्रेशन की कोई खास वजह हो भी सकती है और नहीं भी। बहुत से लोगों को जो उदास रहते हैं और डिप्रेशन का शिकार होते हैं, अपनी उदासी की कोई वजह समझ नहीं आती। इसके बावजूद उनका डिप्रेशन बाज औकात इतना शदीद हो जाता है कि उन्हें मदद और इलाज की जरूरत होती है। अगर हम तन्हा हो, हमारे आसपास कोई दोस्त ना हो, हम जहनी दबाव का शिकार हों या हम बहुत ज़्यादा जिस्मानी थकन का शिकार हों, इन तमाम सूरतों में डिप्रेशन की बीमारी होने का ख़तरा बढ़ जाता है। डिप्रेशन किसी को किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन बाज़ लोगों को डिप्रेशन होने का ख़तरा दूसरे लोगों से ज़्यादा होता है। इसकी वजह हमारी शख्सियत भी हो सकती है और बचपन के हालात और तजुर्बात भी। ख़वातीन में डिप्रेशन मर्द हजरात से ज़्यादा होता है। डिप्रेशन में आप किस तरह से अपनी मदद कर सकते हैं? अपने घर वालों या करीबी दोस्त से बातें शेयर करें और उन्हें ये भी बताएं कि आप अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं। अक्सर औकात गम की बातों को किसी करीबी शख्स के सामने बार बार दोहराने, रो लेने और उसके बारे में बात करने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। कुछ ना कुछ वर्जिश करते रहें, चाहे ये सिर्फ आधा घंटा रोजाना चहलकदमी ही क्यों ना हो। मुतवाजन ग़िज़ा खाना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपका दिल खाना खाने को ना चाह रहा हो। ताज़ा फलों और सब्जियों से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है।
बास लोग समझते हैं कि नशा करने से उनके डिप्रेशन की शिद्दत में कमी हो जाती है, मगर हकीकत में नशे के इस्तेमाल से डिप्रेशन और ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेता है। इससे वक्ती तौर पर कुछ घंटों के लिए तो फ़ायदा महसूस हो सकता है, लेकिन बाद में आप अपने अंदर और ज़्यादा उदासी महसूस करेंगे। नींद के ना आने से परेशान ना हो। अगर आप सो ना सके तो फिर भी आराम से लेटकर टीवी देखिए या म्यूजिक सुनिए। इससे आपको ज़हनी सुकून मिलेगा और आपकी घबराहट भी कम होगी। डिप्रेशन का इलाज कैसे मुमकिन है? डिप्रेशन का इलाज बातों यानी साइकोथेरेपी के जरिए भी किया जा सकता है, एंटी डिप्रेशेंट अद्वियात के जरिए भी और बैक वक्त दोनों के इस्तेमाल से भी। आपके डिप्रेशन की अलामत की नौयत, उनकी शिद्दत और आपके हालात को देखते हुए ये मशवरा दिया जाता है कि आपके लिए डिप्रेशन की अद्वियात का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर है या फिर साइकोथेरेपी। हल्के और दरमियानी दर्जे के डिप्रेशन में साइकोथेरेपी के इस्तेमाल से तबीयत ठीक हो सकती है, लेकिन अगर डिप्रेशन ज़्यादा शदीद हो तो दवा देना ज़रूरी हो जाता है। इलाज ना कराने की सूरत में क्या होता है? अच्छी खबर यह है कि डिप्रेशन के 80% मरीज इलाज के बगैर ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन इसमें 4 से 6 महीने या इससे ज़्यादा अरसा लग सकता है। आप सोचेंगे कि फिर इलाज करवाने की ज़रूरत क्या है? वजह यह है कि बाकी 20% मरीज बगैर इलाज के अगले 2 साल तक डिप्रेशन में मुब्तला रहेंगे और पहले से ये बताना मुमकिन नहीं होता कि कौन ठीक हो जाएगा और कौन ठीक नहीं होगा। इसके अलावा अगर इलाज से चंद हफ्तों में तबीयत बेहतर हो सकती है तो इंसान कई महीनों तक इतनी शदीद तकलीफ क्यों बर्दाश्त करता रहेगा? कुछ लोगों का डिप्रेशन इतना शदीद हो जाता है कि वो खुदकुशी कर लेते हैं या फिर उन्हें खुदकुशी के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए अगर आपके डिप्रेशन की अलामत की शिद्दत बढ़ गई है और उनमें कोई कमी नहीं हो रही, आपके डिप्रेशन ने आपके काम, दिलचस्पियों और रिश्तेदारों और दोस्तों से ताल्लुकात को मुतासर करना शुरू कर दिया है, या आपको इस तरह के ख्यालात आने लगे हैं कि आपके ज़िंदा रहने का कोई फ़ायदा नहीं और दूसरे लोगों के हक में यही बेहतर है कि आप मर जाएं, तो आपको फौरन अपना इलाज करवाने के लिए अपने डॉक्टर या किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से ज़रूर रुजू करना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इसी तरह हमारी मज़ीद वीडियोस देखने को मिले। शुक्रिया।